नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए विश्व भूगोल के क्वेश्चंस, और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप 10 का जवाब दे देते हो तो आपका जो है तैयारी बहुत ही अच्छा है। ये जो तीसरा पार्ट है हमारा ज्योग्राफी का, जनरल अवेयरनेस में नेवी एमआर के लिए, और ये नेवी एमआर स्पेशल है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये 5 नंबर पक्के करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। 5 नंबर अगर ये सीरीज आप पूरा करते हैं तो आपका जो है 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। सीरीज में आप कितने पार्ट होंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी होंगे वो उसी टाइप के होंगे जिसमें से कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपकी जो है सफलता, अगर ये 5 नंबर आपके आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा चांस आपकी सफलता का, ठीक है। और इससे पहले मैं हिस्ट्री करवा चुका हूँ जनरल अवेयरनेस में, उसमें भी लगभग 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उसको भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और मिनिमम 5 नंबर तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे, मैक्सिमम 6-7 भी पहुंच सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन वो लोग सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे तरफ से यही है कि 5 नंबर आप पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज की वीडियो को। अगर आपने दोनों पार्ट पिछला वाला नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लेना, लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा और एंड में भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप चैनल पर नए हैं और नेवी एमआर की बेस्ट तैयारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लो, जुड़ जाओ वहाँ पे, क्योंकि जो पीडीएफ होंगी और इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगे वहीं पे आपको मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है या फिर आईडी आपके स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, हमें 36 नंबर से शुरू करना है, 35 तक हम कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार महाद्वीपीय पठार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज नॉट ए कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू? अंटार्कटिका का पठार अंटार्कटिका प्लेट्यू, ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड प्लेट्यू, पैटागोनिया का पठार प्लेट्यू ऑफ पैटागोनिया, ऑस्ट्रेलिया का पठार यानी प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का जो पठार है वो महाद्वीपीय पठार नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 37 नंबर है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मेरापी किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री इज द एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी लोकेटेड? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया और इटली। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम मेरापी है वो है। अब मान लो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडोनेशिया में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और ऑप्शन में मेरापी होगा, तो आप उसको मेरापी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38 है, निम्नलिखित में से किस देश में ग्वालातीरी ज्वालामुखी अवस्थित है? पेरू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द ग्वालाती वोल्केनो लोकेटेड? पेरू, चिली, तंजानिया और इक्वाडोर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चिली। चिली में जो है वो ग्वालातीरी ज्वालामुखी अवस्थित है, इन चिली ग्वालाती वोल्केनो लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ज्वालामुखन का उत्पाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिज्म? वलित पर्वत, वल्लट माउंटेन, कगार, ब्रिंक, भू अभिनति, जियोबीएस, ज्वालामुखी कुंड, वोल्केनिक ट्रफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड जो होता है वो एक ज्वालामुखन का उत्पाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामुद्रिक ज्वारीय तरंगों को कहा जाता है? द मरीन फॉसिल वेव्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर कॉल्ड सुनामी, प्रभंजन, टॉर्नेडो, युति, वियुक्ति, बिंदु। टी सुनामीज, हरिकेन्स, टोर्नेडो और सीजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुनामी। भूकंपों के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होती है सामुद्रिक ज्वरीय तरंग, उसको क्या बोला जाता है? टी सुनामी, यानी सुनामी। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वोल्केनो इरप्शन इज नॉट ऑफ्टेन एक्सप्लोजिव? पिलियन, हवाईयन, एस्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पिलियन। पिलियन जो है वो एक विस्फोटक नहीं होता है, ठीक है। अगला, कौन सी भूकंपी तरंग तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? विच सिस्मिक वेव कैन नॉट बी पास थ्रू द लिक्विड मीडियम?
PLS और नन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एल। एल जो है वो ऐसी भूकंपी तरंग है जो तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, न्यूनतम जीवांश की मात्रा वाली मिट्टी है द सॉयल विद द मिनिमम लाइफ स्पैन चर्नोजम पोडजोल चेस्टनट और लैटेराइट। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी जो है वो न्यूनतम जीवांश की मात्रा वाली मिट्टी है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है द मोस्ट कॉन्वीनियंट एटमोस्फेरिक लेयर फॉर द फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक प्लेन्स। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर सप्ताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर मध्य मंडल मीडियम आयन मंडल आयनोस्फेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सप्ताप मंडल। सप्ताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर ये जो है सुपरसोनिक विमानों के उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। वेयर इज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमोसफेयर। क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फेयर में समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में मध्य मंडल में मीडियम आयन मंडल में आयनोस्फेयर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है किसमें, क्षोभ मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा परिवर्तित होती हैं। व्हाट इज द लॉन्ग रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर सप्ताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर आयन मंडल लोनोस्फेयर और क्षोभ सीमा आर्कटिक लिमिट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी आयन मंडल। आयनोस्फेयर द्वारा ये जो है दीर्घ रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा परिवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन गैस से समृद्ध है या संबंध है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एटमॉस्फेरिक लेयर रिच इन ओजोन गैस। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर मध्य मंडल मीडियम आयन मंडल आयनोस्फेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल जो है, समताप मंडल से जो है वो ओजोन गैस से समृद्ध है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। अगला है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लोकेटेड एट एटमोस्फेरिक लेवल। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर आयन मंडल आयनोस्फेयर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सट्रीमोस्फेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयन मंडल आयनोस्फेयर। ये जो है आयन मंडल में संचार उपग्रह होते हैं इसी स्तर पे। 49 है, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज आल्सो नोन एज कन्वेक्शन डिवीजन। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर आयन मंडल आयनोस्फेयर और मध्य मंडल मीडियम। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की ऐसी परत है जिसको कि संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। द सडन डिक्रीज इन द एयर प्रेशर इज इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है स्वच्छ मौसम तूफानी मौसम अत्यधिक शीतल मौसम और वर्षा का मौसम। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तूफानी मौसम यानी कि स्टॉर्म वेदर जो है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी यही दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अब हम फटाक से इसको रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा पठार महाद्वीपीय पठार नहीं है। सी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मेरापी किस देश में अवस्थित है। सी इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में ग्वालातीर ज्वालामुखी अवस्थित है। ऑप्शन बी चिली में, चिली में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ज्वालामुखन का उत्पाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिज्म। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ज्वालामुखी कुंड वोल्केनिक ट्रफ। भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामुद्रिक ज्वरीय तरंगों को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी
टी सुनामी यानी कि सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंपी तरंग तरल माध्यम में होकर नहीं गुजर सकती? पी एल एस और नन। राइट आंसर ऑप्शन बी एल। नेक्स्ट है, न्यूनतम जीवांश की मात्रा वाली मिट्टी है? राइट आंसर ऑप्शन डी लैटेराइट। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है? राइट आंसर ऑप्शन बी समताप मंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा परावर्तित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आयन मंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन गैस से समृद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी समताप मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी क्षोभ मंडल को। नेक्स्ट है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी तूफानी मौसम यानी स्टॉर्म वेदर की सूचक होती है, इस तरीके से जो अचानक से कमी आती है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो सीरीज़ मैं करवा रहा हूँ इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको देख लेना 5 नंबर आपके कंफर्म है 25 में से, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है सेक्शन बी, 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं, इसमें से 5 आप आसानी से करके आ जाओगे। तो इसको थोड़ा सा भी इजी मत लेना। तो बस इस वीडियो में यही था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ये है इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर और टेलीग्राम की नीचे, तो दोनों जगह जाकर के ज्वाइन कर लो। दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के ज्वाइन करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।